शर्माती थी नारी दिन में कम से कम 100 बार आपसे मिलिए वैसे तो इनका लाज है नाम पजुल्फों लेती हूँ का काम पहले 7 जन्म तक सजनी रहती पीकाथ पहले 7 जन्म तक सजनी रहती पी के साथ अब जाने कब कह दे गोरी छोड़ो मेरा हाथ अब जाने कब कह दे गोरी छोड़ो मेरा हाथ और उठे तौबा गजब है दोहाई है तौबा गजब है दोहाई है राम ऐसे हसीनों को दूर से सलाम
रोकने के लिए कहा, मैंने गाड़ी रोक दी, लड़की गायब हो गई। देखता हूं कि बगल के दरवाजे से वो लड़की अंदर आई, मेरा क्लीनर बेहोश हो गया, मैं घबराया और मैंने गाड़ी भगा दी। लड़की, भूत, ये सब क्या चक्कर है? क्या बात है भाई, तुमको माधो ने बुलाया है? क्या बात है भाई, लोग कहाँ जा रहे हो? बम्बई। अबे मरना है क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि रात को घाट में भूत निकलता है। भूत? वो भी लड़की के वेश में। गोपी, हाँ, तुमने सुन लिया? सुन लिया। अरे अभी अभी इस गाड़ी का ड्राइवर उसके हाथ से बच के भागा। कल रामू दादा का एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ है। चुपचाप बैठो, अगर चलना है तो मैं 4 बजे हमारे साथ चलो, अगर मरना है तो अभी चले जाओ। जाओ, अरे वाह, जाओ जाओ, जबरदस्ती जाओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। किशन भैया, किशन भैया, अगर अभी निकलना है तो मैं नहीं आता, तुम जाओ। तुम जाओ। अरे वाह, जाओ जाओ, जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अब मैं कुछ बोलता हूँ उसको। दादा, क्या है? बात ये है कि बोलेगा कि किसी करता रहेगा। बात ये है कि भाई लोग कह रहे हैं कि घाट में कहीं का रास्ता खराब हो गया है, अभी जाएंगे ना तो इसमें, इसलिए हम सुबह 4 बजे निकलते हैं। अभी 8 बजे जाएंगे तो तेरी माँ का एक्सीडेंट होता, तो क्या तू इसी तरह बहाने करता? अगर कुछ नहीं, देखे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को मेरे बाबू के पास पहुँचा दे, तेरे को मेरी कसम, तेरे को तेरी माँ की कसम। अच्छा बाबा, माँ की कसम। क्यों बे, किशन किससे बात कर रहा है? किशन भैया राधा को बम्बई लेके जा रहा है। अच्छा, तो बेटे भी इसलिए जल्दी है? जी हाँ,
आगे बढ़ता हूँ तो मैं मौत के मुंह में घुसता हूँ। कमाल है यार, सुबह मुकाबला और शाम को सुल्ला। राधा किशन राधा किशन राधा जाता या नहीं? राधा किशन राधा को तो अपने बाप को देखना है, घर कुछ हो गया तो माँ को कौन देखेगा। शुरुआत हो गई, डाल तू गलाल को आई बड़ा को डाल तू, डाल तू जलाल को आई बड़ा को डाल तू, डाल तू जलाल को आई बड़ा को डाल तू। चलो मैं तो पहुंच गया, इधर तो देखो, फिर जन्म लूंगा तो देख। मैं कोई भूत या शैतान नहीं हूँ, मेरी तरह इंसान हूँ। अगर इंसान होती तो मेरे घड़ी के नीचे आके मरने की क्या जरूरत थी। मान देने नहीं बल्कि तुम्हारे सहन बच्चे मोटर बच्चे को देखी कहा ये मोड़ बस कहा अजीब जमेला है, एक शक्ल दो लड़कियां और एक उसे बसी हुई है, अपनी छुट्टी हो गई है। जी आने हाँ, मतलब ये है कि आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं और इस तरह क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा राज है, सुनोगे तो घबरा जाओगे। समझ गया अभी चाकू छुड़वाने आए थे, आपको ढूंढने आए थे। हाँ, यही लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं बंबई तक पहुंचूं। आ दिया देखो कि ये मत बता दो यूटिलिटी डिसोटो चलो है और चलेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप उतर जाइए। जी आप मेरे गाड़ी से उतर जाइए। देखिए ऐसा मत कीजिए, बस अब थोड़ा ही फासला बाकी रह गया। उस फासले तक पहुंचते पहुंचते मेरा फैसला हो जाएगा, उसका क्या? प्लीज आप पुलिस बुलवाएंगे? नहीं पुलिस, मेरा मतलब है कि आपकी मेहरबानी। अरे आपकी क्या मेहरबानी, वो तो मेरी मेहरबानी करने वाले चाकू वाले। हाँ उतर जाइए। मेरी बात समझने की कोशिश। किशा क्या बात है? आइए। गाड़ी किसान देखो ना, जबरदस्त गाड़ी बैठ गई उतर दी। क्या बात है बहन, मेरी माँ बहुत बीमार है और यहाँ कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं, अगर मुझे थाने तक पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। काय करो किशन, इस तरह एक मजबूर लड़की को गाड़ी से उतारते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? चल जल्दी और पहुँचा दी बहन जी को थाने। मगर तू जानती नहीं। अगर मगर कुछ नहीं, बस चल जल्दी। आपने पहले क्यों नहीं कह दिया तो माँ बीमार है, वरना कभी का बोल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी भी माँ है, तभी तो पत्थर दिन मुंह बन गया। अरे सब माँ का प्यार क्या नहीं कर सकता। क्या बात है? अच्छा Hey!
मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इसलिए कि तुम हमें धोखा देकर भाग रही। भाग रही थी? मैं तो अपने पापा से मिलने अस्पताल जा रही थी। खामोश! तुम लिबास बदलकर हमारी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती। नहीं, आपको मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। नहीं, बल्कि तुम हमें गलत फहमी में डालने की कोशिश कर रही हो। मूसा, बताओ, बार बार तुम्हारा शहर की तरफ भागने का क्या राज है? और अगर नहीं बताओगी, जिंदगी भर अपनी माँ से नहीं मिल सकोगी। कैसा भागना? कौन सा राज? किसकी माँ? मैं सच कहती हूँ, मेरे पापों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। मुझे जाने दीजिए, मेरा बापू अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्यों नहीं, मेरा यकीन क्यों नहीं? आप लोग अगर जरा भी लिखे पड़े होंगे तो मेरा नाम देखिए, देखिए। राधा, बेला, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके बॉस। तो इनाया, मैं बेला नहीं, राधा हूँ। तो अब मैं जाऊं? नहीं बहन, इतनी आधी रात को कहाँ जाओगी? और फिर तुम्हें हॉस्पिटल का पता भी तो नहीं मालूम। कल सुबह पता निकालकर तुम्हें वहां भेज देंगे। आज रात नहीं रहो। चंद्रा, सुनो, आज रात से ए मेरी रेखा थाक पर बंदोबस्त कर दो। अच्छा अच्छा, चलो। मगर मुझ पे यकीन करो, मैंने तुम्हें बहन कहा है ना। चलो। मसले क्या मत है डॉक्टर साहब? उन्होंने धोखे से मारा। अगर वो सामने आते तो आज मेरी जगह इस कॉर्ड में वो क्यों लेटे हुए होते। अच्छा। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ। बात सुनो। हाँ। फिर वो लड़की अचानक तुम्हारे ट्रक में आके बैठ गई। हाँ? उसने कहा कि उसकी माँ बीमार है, ठीक है ना? फिर उसने कहा कि तुम उसको थाने तक लिख दो और तुमने ऐसा किया। फिर क्या, हमने लिफ्ट दिया, उसने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओ किशन दादा, क्यों बस रात तुम्हें भी उस लड़की ने यहाँ का रास्ता दिखा दिया? हाँ दादा। नहीं नहीं दादा, बात यह है कि रास्ते में आते आते एक चकड़ी वाले झगड़ा हो गया, मामूली की मार लगी है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। कितनी बार तुझसे कहा है कि झगड़े वगड़े मत किया कर, मगर तू अपनी आदत से बाज आता ही नहीं। अरे मेरा शागिर्द होकर ड्राइवरों की जात को बदनाम कर रहा है, गधा कहीं का। गोली मारो इन बातों को। और राधा को तार मिला? हाँ राधा। हाँ दादा। हाँ वो मेरे आई हुई है। आई है? ठिकाने लग गई। ठिकाने लग गई? क्या बता है दादा, क्या हुआ? हाँ? आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं था, इसलिए ठिकाने छोड़कर आया हूँ। मगर किसके पास छोड़कर आया? मामा के। मामा के? हाँ। अरे मेरा तो साला ही कोई नहीं है, तो मामा कहाँ से आ गया? तुम्हारा नहीं, मेरा। अबे और कह रहे, अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं तो साला क्या आसमान से आ गया? दादा साला नहीं, मामा। ओ मामा। अच्छा, तेरी भाई की माँ? तेरी माँ का भाई? ऐसा कुछ। 25 बरस हो गए, सिल्वर जुबली हो गई है, हिंदुस्तान की सब सड़कों के नक्शे मुझे समझ में आ गए हैं, मगर मैं ये रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा तो मामा। दादा बोलो तो मैं।
हाँ ठीक है जाओ, लेकिन सुबह राधा को अपने साथ लेकर आना, मेरा दिल उसको देखने के लिए बेचैन हो रहा है। दादा मेरा भी दिल बेचैन हो रहा है। जरा मुझे डाकू लगा नहीं है, अगर मैं जाता हूँ तो कल सुबह तो राधा को ढूंढा ला सकता हूँ, वरना मेरे तो खैर नहीं। ना तुम नहीं जा सकते। यही है वो। किशन मैं पुलिस को फोन करके अभी आया। डॉक्टर साहब जल्दी आया वरना हम तो गया। आपको किसी चीज की जरूरत है? जरूरत है लेकिन वो चीज यहाँ नहीं है। सो जाओ, यहाँ तो नींद उड़ गई है। ठहरो, बाहर जाओगे तो फंस जाओगे। अंदर भी तो अटका हुआ हो। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब कुछ समझता हूँ देवी जी, जब से आप मिली है बहुत समझ आ गई है, बहुत समझ आ गई है। आप मुझको तरस खाइए और मुझे जाने दो। नहीं, अब तो तुम भी खतरे में घिर चुके हो और वो लोग किसी वक्त भी मेरी छुट्टी कर सकते हैं, और आप भी तो यही चाहती हैं। यही तो मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं यहाँ आई। किशन इधर देखो। किशन नहीं नहीं, एक बार नजर मिलाई थी तो यहाँ पहुंच गया, आपके बाद देखूंगा तो पता नहीं कहां पहुंचूंगा। मेरी तरफ देखो। नहीं किशन नहीं, यही कहीं होगा। नहीं, ये बार बार चाकू निकालते हैं। वो अब नहीं निकालेगा, चलो तो। तुम क्या हुआ? बोल सके नहीं, मैंने किसी पर हमला किया था, आ गई बेला उसे लेकर भाग गई, और ये कहने के लिए तुम यहां आए हो? बेला उसे लेकर भाग गई, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। भरी महफिल में क्या ऐसी किसी का नाम लेते हैं, मुखबत में कभी तो सब्र सी भी Thank you.
रंग लाती है जना आहिस्ता आहिस्ता असल करती है जैसे के शराब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाती है जना आहिस्ता आहिस्ता असल करती है जैसे के शराब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाती है जना आहिस्ता आहिस्ता बहक जाते थे हम लेकिन नजर मिलते ही साथी से बहक जाते थे हम लेकिन हमें पीने लगे हैं हमें पीने लगे हैं बेहिसाब आहिस्ता आहिस्ता असर करती है जैसे के शराब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाती है जनाब आहिस्ता 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 असर करती है जैसे के शराब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाती है जनाब आहिस्ता आहिस्ता मेरे गाने का कोई असर नहीं हुआ? नहीं नहीं चांदनी ऐसी बात नहीं है दरअसल मैं परेशान हूं कि बेला और किशन का साथ भाग जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है तो क्या हुआ क्या मतलब मतलब ये कि राधा उधर अपने बाप को देखने के लिए परेशान है और इधर हम अपने कामयाबी के लिए परेशान फिर कल सुबह बेला से पहले राधा वहां बेला बनकर पहुंच जाएगी और आपने राधा से हाँ हाँ मैंने उसे सब कुछ समझा दिया इसलिए मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत है अब मुझे से? हाँ क्योंकि तुम भोले भी हो और बहादुर भी माफ कीजिएगा हमारे गांव में लोग भोले आदमी को बुद्धू समझते हैं और बहादुर को गुंडा समझते हैं लेकिन मैं तो नहीं समझती ये आपकी बड़ी मेहरबानी कल
मैम क्या सेवा करूं? ये कपड़े उतार। हाँ कपड़े उतार दो। ये मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, इसे पहन लो। आखिर क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें बुद्धू और गुंडा ना समझे। ओ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों क्या बात है? देखो ना कितनी कोशिश की इसे बांधने की, मतलब पूरी नहीं पड़ती। आप अकेले हैं? हाँ तो नहीं तो क्या करो, इसे यहां नहीं। यहां बांधते। ओ ये खुशबू कैसी है? पसंद है तुम्हें? लेकिन ये है क्या? नाइट क्वीन। ना 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 रात की रानी। ओ रात की रानी, मगर अब तो दिन है, दिन का राजा भी होगा। है नहीं कहाँ है? अभी अभी पास चलाया है। ओ लेकिन ये हम लोग बंद होंगे कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सैर करेंगे, पार्टी में खाना खाएंगे और उसके बाद। हाँ उसके बाद नहीं, उसके पहले मुझे वहाँ ले चलो जहाँ बदमाश दादा उठा ले गए हैं। तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं? वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। तुम नहीं जानती बगैर दादा के मैं रामदेव को मुंह नहीं बता सकता, और मेरी माँ तो घर में घुसने नहीं देगी। तो तुम माँ से डरते हो? नहीं माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा हाँ क्या बात है? वो बात नहीं है, बात ये है कि तुम बिल्कुल राधा की तरह दिखती हो, बिल्कुल राधा। मेहरबानी करके ये राधा बनकर एक बार रामदास से मिलो, अब मैं तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्या सोच रहे हो? अगर मैं राधा बन सकती तो राधा बेला भी बन सकती। हाँ मैं तबाह हो गई, मैं लूट गई। क्या बात है? किशन मुखर्जी के आदमी राधा को बेला बनाकर मेरी माँ को जरूर धोखा दे सकते हैं। कमाल है, तो तुम्हारी माँ अपने नहीं किशन, यही तो मेरी बदतमीजी है। मेरी माँ अंधी। केसरी केसरी आया। दीवाजी मुखर्जी साहब आए। मुखर्जी साहब कल रात को गुड नाइट करके गए हैं, और अभी तक उनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई। बेला भी अभी तक नहीं आई। माँ लो बेला जी आ गए। बेटा बेटा आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो माँ बात यह है वो कि मैं समझ गई। केसरी जी माँ बेटे के लिए चाय लिया। हाँ अभी लाए। बैठ बेटा। गाड़ी क्यों नहीं ले गई? हाँ हाँ गाड़ी वो खराब हो गई थी, इसलिए मैं तो घबरा गई थी। तू नहीं जानती बेटी आजकल मुखर्जी के तेवर कुछ बदल गए हैं, दौलत की लालच में वो कहीं तुम्हारा बुरा न कर बैठे। ए माँ ऐसा काय को नहीं करते? कैसा बेटा? तुमने जिधर खजाना रखा है ना वो जगह का पता मेरे को बता दो। फिर वो खजाना उधर से निकाल के हम लोग ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ मुखर्जी का साया तक न पहुंचे। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ। नहीं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं तुम्हारी बेला हूँ। बेला होती तो खजाने का पता कभी नहीं पूछती। तुम बेला के भेस में मुझे धोखा देने आई हो? बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हारी जान दे दूंगी। नहीं केसरी ये बेला नहीं है, बेला के भेस में हमें धोखा देने आई। माँ कहा अगर जान की सलामती चाहती हो तो निकल जाए यहाँ से,
वरना गोली से उड़ा दूंगी। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है? कामयाबी हासिल करने के लिए कभी कभी जान की भी बाजी लगानी पड़ती है राधा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बापू के पास पहुंचा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए राधा यहाँ से नहीं जा सकती। राधा जाएगी और जरूर जाएगी। कैसी शर्त? राधा अपने बाप से मिलकर यहाँ वापस आएगी। आज हम हार गए। अगर राधा की वजह से हुई तो जिस ट्रक पर इसका बाप नौकर है मैं उसे उस ट्रक का मालिक बना दूंगा। मगर अगर मगर कुछ बाप के प्यार में लोग तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। तुम्हारी एक हाँ पर तुम बाप से मिल भी सकती हो और आज के नौकर बाप को कल मालिक भी बना सकती हो। लेकिन घबराओ नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। बोलो हाँ, इसको मंजूर है। और अगर राधा अपने बाप से मिलने के बाद वापस आने से इनकार करे तो उसके बाप को वहीं खत्म कर दूंगा। यस बॉस। रामू दादा, 9 बज गए, आपके राधा और किशन नहीं आया अभी तक। वो 9 बज गए तो वो बस आते ही होंगे अब तो। अरे लो आ गए राधा। पिताजी। पिताजी ओ नहीं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? 25 बरस हो गए, सिल्वर जुबली हो गई। लेकिन ये पिताजी बाबूजी क्या हो गया तुझे? दादा उसको अकेले कोई नहीं, इधर देखो बहुत कुछ हो गया है। ये साड़ी, ये टाई और ये बूट। अरे छूट, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कुछ हो गया है, वरना 25 बरस हो गए। सिल्वर जुबली आज हो गई है दादा। दादा मैं मामा है ना, उसकी सब करामत है। हाँ क्यों राधा? हाँ पिताजी, बाबूजी किशन का मामा बहुत मालदार आदमी है, उसने मुझे कहा क्या घटिया थटिया साड़ी पहने हुए हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसने मुझे ये साड़ी दे दी। मगर मुझे ये पसंद नहीं। अरे बेटा ये सब कुछ हमें शोभा नहीं देता। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। आई एम सॉरी। चलो किशन। मगर कहाँ? सारी बहुत गड़बड़ कर रही है। ओ, बाबूजी चेंजती हूँ। हाँ चलो किशन। आई एम सॉरी चेंज करके। ठीक है ना? ठीक तो रामा क्या बात? 25 बरस हो गए, सिल्वर जुबली हो गई बम्बई में आते जाते। मगर मगर क्या? देखिए ना कि राधा को आज एक ही दिन हुआ है बम्बई में कदम रखे हुए, वो फटाफट अंग्रेजी भगी और फटाफट मुझे बाबूजी से पिताजी बना दिया। रामू दादा बम्बई की हवा ऐसी है। ओ डॉक्टर साहब, बम्बई की हवा अगर ऐसी है तो फिर राधा को बम्बई का पानी तो बिल्कुल पीना ही चाहिए। घबराइए नहीं सर, ना सीधा। पिता का नाम रामू दादा। तुम से मिलने आई? हाँ कहाँ है वो? पहला माला 12 नंबर का कमरा। हमें मालूम था, आओ मेरे साथ। तुमको बंबई में आए हुए कितने बरस हो गए हैं? 15 कमाल है, अभी तक नर्स की नर्सी हो, तुम्हें तो अब तक अस्पताल बन जाना चाहिए था। बापू 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 कैसे हो तुम? कैसी है तुम्हारी तबीयत? तुम मुझे इस तरह देख क्या रहे हो? ये तुम इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे बदल कर आ गई? क्या बदल के आ गई? ये सारी बाड़ी और वो किशन कहाँ है? किशन? हाँ किशन तो मुझे कल से नहीं मिला। कल से नहीं मिला? क्यों झूठ बोल रही है? अभी तो तेरे साथ था बापू। हाँ। मैं तो यहाँ पहली दफा आई हूँ। पहली दफा आई हो तो माँ थोड़ी सी अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी बोल थोड़ी सी।
अंग्रेजी? अंग्रेजी मुझे कहाँ आती है बापू? नहीं आती तो फिर मैं मर गया। डॉक्टर डॉक्टर क्या है दादा? डॉक्टर साहब वो जो लड़की सामने बैठी आप देख रहे हैं इसी शक्ल की जो पहले आई थी वो अंग्रेजी बोलती थी और ये कहती है मुझे अंग्रेजी नहीं आती। डॉक्टर मुझे तो गड़बड़ नजर आ रही है, मुझको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर भगवान के लिए पता करो कि वो मेरी बेटी थी या ये मेरी बेटी है। अभी कर दो। अच्छा माफ करिएगा आपका नाम क्या है? क्या है? राधा। मैं राधा हूँ बापू। तुम्हें क्या हो गया? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो बचपन में तुमने ही नाम खुदवाया था ना, देखो राधा। अब तो यकीन आ गया ना? तू राधा है बेटी। देखो ओ, मामा। मामा जी हाँ, मैं किशन ही का मामा। किशन का मामा किशन कहता था। चलो बेटी तुम्हारी मामी खाने पर इंतजार कर रही होगी। मामा जी राधा आज खाना यहीं खाएगी। जी नहीं, आज की मामी का दिन है। मैं जा रही हूँ खाना लेके आऊँ। अच्छा मामी को मेरी बधाई देना। ये हम लोग कहाँ गए? पार्टी में। और देखो यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब बेला जी मैं ना पढ़ा हूँ ना लिखा हूँ, ये कहाँ लाके फंसा दिया? फिक्र मत करो, सिर्फ ये और नो में काम चल जाएगा। क्या कहा? ये और नो काम चल जाएगा। किसी का यस 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 नो। बेला जी। बेला जी ये सब कौन है? ये मेरे फ्रेंड मिस्टर मिस्टर किशन कुमार। नहीं 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 मैं कुमार नहीं हूँ, मिस्टर किशन कुमार। यस 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 यस। नो यस 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 यस। जरा इनको मजाक करने की आदत। चलो thank you.
सब सीखा तूने जो सिखाया फिर भी अपना वादा हमारा ही है। आपका? तो क्या आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ हमारा मैनेजर मुखर्जी रहते हैं। हम उस बंगले में रहते हैं। अच्छा? देखो, अगर कुछ गड़बड़ हो ना, तो तुम उस बंगले में चले आना। अच्छा। मगर क्या? माफ करना, मैंने अपने माँ का दूध पिया है। हाँ। किशन, मुझे डर लग रहा है। कहीं वो लोग तुम्हारा अब मेरा जो भी कुछ होगा देखा जाएगा मगर आप इतनी क्यों घबरा रही है ये तुम नहीं समझोगे मैं समझूंगा नहीं मुझे तो बिल्कुल बुद्धू समझती है ये मेरी कौन हंसी उड़ा रहा है घबराओ नहीं मुझे बेला जी ने भेजा बेला जी ने भेजा हाँ, क्यों इसलिए कि तुम अकेले हो ना ये भाई साहब ये बंगले में जाने रास्ता कौन सा है इधर से चलो मेरे साथ आओ ये कहाँ है अमुक क्या वो सुन लिया ओ दरवाजा क्यों बंद कर रहा है जाने करे
मगर भाई एक जवान को स्वामी अपना काम शुरू करो अरे मैं कहाँ आ गया ऊपर हूँ या नीचे हूँ मुझे लगता है कहीं बीच में ही हूँ क्या बात ये कौन जलवे दिखा रहा है मालूम होता है कि मैं चिड़ियाघर पहुंच गया उठा भी देगी शहर आ गई आगे बढ़ता हूँ तो मरता हूँ पीछे जाता हूँ तो मौत के मुंह में जाता बंदी हो रही है घबरा रहे आपने कुछ फरमाया जी हाँ मैं सुना था कुत्ता काटता है भोगता है लेकिन ये तो बोलता भी है जी सुनो यहाँ आया हुआ इंसान बच के वापस नहीं जा सकता ये तो मालूम है मगर अगर तुम भागना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूँ हाँ तुम रास्ता वाह 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 एक ने शॉर्टकट बताया तो यहाँ पहुँच गया अब क्या तुम ऊपर पहुँचाने वाले हो तो आओ मेरे साथ अरे वाह बेला और उनकी माँ आ रही है खैर कोई बात नहीं किशन किशन डॉक्टर साहब आप और यहाँ क्या मुखर्जी ये आपकी ऐसी हालत किसने बना दी क्या बात है बेटी माँ मुखर्जी को किसी ने बांध रखा है बांध रखा है प्रकाश करो अपनी आप हमारे साथ में तो सिर्फ लिखा दिखाता हूँ कि झूठ है कि सोच है नीचे आप नहीं देखो चंद बेला से मिलने न पाए टूट कर दो ओके जाओ बेला, 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 बेला
कौन? मैं आपका ही आदमी हूँ माता जी। तुम्हारे जानिया खतरे में है, चलो। अरे ये तुमने क्या किया? मैं क्या सामने आ चल। किशन राधा, अच्छा हुआ गए। राधा यहाँ आओ बहन। क्या बात है बहन? बात यह है कि अगर मैं ऐसे जख्मी हालत में माँ के सामने गई तो उसका जरूर हार्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद बहन? यही, तुम कुछ समय के लिए बेला बन सकोगी। बेला? हाँ बहन, एक बूढ़ी और अंधी माँ के लिए। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगी। तुम तो जानती हो बहन, एक बेटी ही समझ सकती है। मगर नहीं राधा, तुम बेला बनना होगा। बेला जी के लिए नहीं, एक बुरी माँ की। बोलो। अच्छा बेला, बेला, ओ बेला, बेला, बेला। आई माँ। बेला मैंने पिस्तौल की आवाज सुनी, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई। चलो 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 माँ। आप यहाँ बैठिए, मैं गाड़ी के इंतजाम आप ही करके आता हूँ। अरे किशन, ये सूट और बूट? हाँ यार, वो तो बाद में बताऊंगा। जरा ठहरना, एक आदमी पहुंचाना है। हाँ मैं अभी आता हूँ। गाड़ी का इंतजाम हो गया, उठिए। खतरे की कोई बात नहीं, घंटे दो घंटे के बाद होश में आ जाएंगे। होश में आने के बाद उन्हें ये गोली दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत बताया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेला अगर होश में आ भी जाए तो उसे ये गोली देने की कोई जरूरत नहीं। अब मुखर्जी का फंडा फूट गया, एक तो वो यहीं आएगा और अगर आ गया तो कोई नई चाल चलेगा। अब वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता माँ जी। माँ जी? बेटा कौन है ये? ये वही है, आपको गिरने से बचाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? माँ जी मेरा नाम सुजीत है। और माँ ये डॉक्टर हैं। अच्छा हुआ अब इस घर में बीमारी नहीं आएगी, डॉक्टर जो आ गया। ये हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। राधा अगर वहां रही हम जिंदगी भर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। राधा मामा मा, मामा छोटू। यस बस मैं कहाँ आ गया? क्या फिर अस्पताल में आ गया? नहीं नहीं
घबराओ नहीं, तुम अपनी निगम, आप निगम कैसे आ गए? मैं मुझे तुम्हारे देखभाल करने के लिए रखा गया है। हाँ, दवाई पी लो। ना तो मैं बीमार, मुझे मार लगा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है ना ऐसे नहीं पीना। डॉक्टर ने कहा है, देखभाल जी। हाँ जी, इस दवाई के बात में डॉक्टर का नाम नहीं है। ये फैमिली डॉक्टर ने दिया है। थर्ड पार्टी है कोई। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे ड्राइवर में होता है बीमा। हाँ। उसमें होता है ट्रक का मालिक एक पार्टी, ट्रक का ड्राइवर दूसरी पार्टी, और गाड़ी के नीचे आके मरने वाला थर्ड पार्टी। क्या हुआ? बहुत कड़वा मालूम होता है कि अमृत बंधन करके निकाला गया है। जरा पानी पिलाएंगे। अरे वाह, दवा करवा, पानी में मिटा हो गया। कौन हो तुम? मैं सिस्टर हूँ। मिस्टर नहीं, अगर तुम मिस्टर हो मुझे प्लास्टर को लगाया है। हेलो हेलो तुम चली गई। तुम क्या हुआ? बहुत कुछ होने वाला था। वो जो लड़की अभी अभी गई वो कौन थी? कौन थे? गुम नाम थे। 20 साल बाद आने वाली थी, 1 साल पहले आ गई। बड़ी खतरनाक थी वो, मुझे दवा पिला रही थी। तो तूने पी ली क्या? अगर मैं वो दवा पी लेता तो आज तुम दोनों यही गाना गाते के सो ठीक हो। हाँ। कौन थी? मैंने उसे कहीं देखा है। देखा है? हाँ। कहाँ? कहाँ देखा है, कहाँ? तेरे का ओ गुंडे लोग मेरे को उठा के ले गए थे ना। हाँ। ये वही थी, मेरे को बहन बोल रही थी। क्या हुआ? अगर गुंडे लोग को पता चल गया कि मैं इधर हूँ तो मेरे को फिर से उठा के ले जाएंगे। घबराओ मत, जब तक डॉक्टर है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दवा की बॉटल उधर है। हाँ। क्या हुआ? पैर फिसल गया। कहीं चोट लग जाती तो? तो क्या होता? Thank you.
करते हैं उसको मैं डराता हूँ जी हाँ इसलिए कि मैं भोला भाला हूँ बहादुर हूँ वो तो हो ही मगर क्या हा? तुम कितने खूबसूरत मैं खूबसूरत और मैं देवी जी अपने आप को इलाज कीजिए या चश्मा लगाइए क्यों इसलिए कि मैं तुम्हें खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ उन आंखों से पूछो उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा हूँ वो उस बंगले में तुम्हारा मतलब बेला जी हाँ मैं उसी की तो मदद कर रही थी कि गुंडों ने मेरा पीछा किया ओ ये बात है क्या बात है क्या बात है किशन भैया बात शुरुआत होने वाली थी कि तुम आ गए बात कैसी है बात अच्छी है मगर जमना मुश्किल है अच्छा चलो फिर चल कमाल है पच्चीस बरस हो गए सिल्वर जुबली हो गई मगर ऐसा कभी नहीं देखा जब आंख लगी तो कहां था और आंख खुली तो कहां नर्स नर्स तो नहीं वो मेन था कहां है क्या चाहिए क्या चाहिए डॉक्टर जी मुझे डॉक्टर चाहिए तुम पाउडर नहीं मैं डॉक्टर हूँ तुम डॉक्टर हो तो कमाल हो गया फिर साथ बदल गया नहीं रामूसा कुछ नहीं बदला है खाली एक वार्ड बदल गया है वार्ड बदल गया मैं आपको बताने आया हूँ आप हमरा को नहीं पहचानते हैं बाकी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ 25 बरस हो गए सिल्वर जुबली हो गई ड्राइवरी करते करते मगर मैंने आज तक आपको नहीं देखा परंतु रामुदा जो मैंने देखा है वो भगवान किसी पिता को ना बताए हमरा भी एक तो बेटी था दौलत ने उसको अंधा बना दिया है एक गरीब बाप को छोड़कर चला गया मैं आपको कुछ भला तो नहीं कर सकता मगर आपका बुरा भी तो नहीं देख सकता हूँ मगर भाई मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ आपका और मेरा मेल मिलाप कैसे हो सकता है मुझे ये बताइए आप स्टेयरिंग की तरह जो घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं ना मेरी समझ में नहीं आती तो साफ साफ बोलो की बोलेंगे बाबू नशीब अमुदा तुम्हारा बेटी का नाम राधा है ना क्या हुआ उसको झोपड़ा में से मोहल में पहुंच गया है तुम्हारा किशन है ना वही बदमाश ने पैसा का लालच में एक तो अमीर बुढ़िया के हाथ में उसको बेच दिया है झूठ है गरीब की बेटियां बिकती नहीं है बाबू और फिर किशन मेरा शागिर्द है वो मुझे धोखा नहीं दे सकता अरे रामुदा धोखा अपना ही आदमी से होता है मैंने भी किसी पर भरोसा किया था तो अपना लड़की गवा दिया नहीं
किशन ऐसा नहीं है, और फिर मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वो अपने बाप को नहीं भूल सकती। अरे रामुदा, ये दुनिया में सब कुछ हो सकता है। एक मामूली झोपड़ा में रहने वाली को मोहल्ल में रहने का मौका मिले, खाने का वास्ते अच्छा अच्छा पकवान, रहने का वास्ते इतना बड़ा मोखन, तो वो बात तो क्या परमात्मा को भी भूल सकती है। आप विश्वास नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो हमारे साथ में आइए और अपना आंखी से देखिए। चलो तो सिर्फ रहिए। ओके ओके। ये क्या हो रहा है? इस घर का हर एक आदमी राजदार मालूम होता है। राधा, बात यह है, मेरे को सब पता है। मैं तुमको शरीफ आदमी समझती थी, मगर तुम भी उनमें से एक निकले। मन में आता है कि मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। नहीं दादा, तुम्हारे यहाँ से चले जाने से सब बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा, और बिचारी अंधीमा और बेला दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगी। याद है तुमने बेला को वचन दिया है, वैसे ही मैंने भी किसी को वचन दिया है। मदद के लिए हम दोनों का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। यानी हम दोनों ना? हाँ, हम दोनों। अच्छा, दो कप लगते हैं। बाय वो भाई जी, बुलाया कहाँ गई? के बजाय कई पुराने कब्रिस्तान में तो नहीं आ गए? हर दरवाजे में भूत। मैं यहाँ कहाँ के फंस गया? दरवाजा खोलता तो भूत निकला, कुर्सी बैठता हूँ तो कुर्सी ऊपर जाती है। अंदर तो आ गया लेकिन बाहर कैसे जा सकता हो? शुक्रिया। हे रुमाल किसने दिया? ये रुमाल नहीं है बल्कि ये फांसी का फंदा। बेला जी। अच्छा हो गया तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाना ही चाहती थी। ये तो मुझे पहले ही से मालूम था कि जो दूसरा लोग गंडगोल किया है उसका जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। फरमाइए क्या बात है? मुखर्जी, मैंने तुम्हें मैनेजर की हैसियत से अपने बंगले में जगह दी थी, तुमने उसे गुंडों का अड्डा बना दिया। ये बात आप हमरा से काहे को पूछती हैं? किशन को पूछिए जो गुंडों का सरदार है। खबरदार, किशन का नाम मत लो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर हमरे पर भरोसा नहीं है तो हम आपका मैनेजर ही छोड़ने को तैयार हूँ।
बेला जी को बोलिए कि चाबियां ले ले। बेला चाबियां ले ले? नहीं, ये चाबियां नहीं ले सकते हैं। क्यों? इस वास्ते कि ये बेला नहीं। मुखर्जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेला को बेला नहीं कहते? यही तो बात है माँ जी। ये आपका किशन ने आपका अंधा होने का फायदा उठाया है और एक तो ड्राइवर का छोकरी राधा आपका हाथ में बेच दिया है। मुखर्जी, बेला माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोलता हूँ तो इधर देखिए। राधा। बेला, कौन है? मालूम नहीं माँ। क्या कहा? मालूम नहीं? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? तू अपने बाप को नहीं पहचानती राधा? बाप? कैसा बाप? किसका बाप? तुम्हारे साथ जो बेला बड़े बैठ उस रात। ये मैं क्या सुन रही हूँ? किसी के कहने से कोई थोड़ा ही बाप बन जाता है। राधा, ये कहते हुए तेरा कलेजा नहीं कांपता? दौलत की दुनिया में आकर बाप को भी भूल गई? सच बोल, मैं तेरा बाप हूँ या नहीं? बोल, मैं तेरा बाप हूँ या नहीं? नहीं बेला, थके मार कर निकाल दे इस पागल को। ये क्या मुझे निकालेगी? इसके सर पर तो दौलत का भूत सवार है। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। अरे मुझे, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ये हिम्मत सच कहा था कि झोंपड़ी में रहने वाले को महल में रहने का मौका मिले तो वो बाप को तो क्या परमात्मा को भी भूल सकता है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, बस तुम्हारे चांटे ने समझा दिया कि दौलत का नशा इंसान को कहां तक गिरा सकता है। मैं माफी चाहता हूं, भूल से तुम्हें अपनी बेटी समझ बैठा। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। जती जा रही है, कहां से आवाज आ रही? किशन, यहां ना। बेला जी, क्या बात है? तुम बाहर आओ। तुम अंदर आओ ना। ओहो, तुम बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी आओ। जल्दी आओ, बाहर आओ, जल्दी आओ। जाओ, बोलता क्यों नहीं? बेला भाग गई। आज तुम लोग कान खोल कर सुन लो, जो काम भी मैं कहूंगा उसे तुमको अपने जान की बाजी लगाकर पूरा करना होगा, और जो नाकाम आएगा वो शूट कर दिया जाएगा। बाबा, इस बार बेला को और किशन को लाना तुम्हारा काम है। जाओ। ओके बस। बेला जी, आप कहाँ थे? बाद में बताऊंगी। आपको मार कैसा है? वो भी बाद में बताऊंगी। अरे सब बातें बताओगे तो हमारा कुंडा हो जाएगा। पहले तुम गाड़ी निकालो। गाड़ी? कहाँ गाड़ी? गैराज में।
मगर बात पहले बताओ। पहले तुम गाड़ी निकालो फिर सब बताओ। दास क्यों कर रहे भाई? क्या बात क्या है? चाप राइट चाप मीनिंग जापान। ये है मुर्ग मुसल्लम मेड इन इंडिया। धागी न दिन क्या हो रहा है? क्या बात है? अरे तुम बताओ तू सही क्या क्या बात है? उसमें बताओ क्या हो रहा है? पड़ी है कि ना दर पे सर और सर पे दर्द है। क्या बात है? हाँ, अरे गैरेज में किचन के साथ कोई मारामारी कर रहा है। मारामारी कर रहा है? हाँ। मैं आ चलिए। ये तो शुरुआत है बेला, मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। मगर तुम कौन हो और ये फरेब? ये धोखा? धोखा और फरेब तो मेरा दूसरा नाम है। इस ड्राइवर के बच्चे ने हमें बहुत परेशान किया। अभी इसका फैसला करता हूँ। मामूसा, मैं एक आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, उसका हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देना और बहुत होशियारी से, सबूत न मिलने पाए। ठीक है। दिलावर, तुम किशन को मामूसा के पास पहुंचा दो। चलो। ओके बॉस। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। एक डॉक्टर का बच्चा जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। मूसा, यस बॉस। समझ गया ना? शिला, तुम इसके साथ जाओ। केसरी बेटा, एक बड़ी तो गर्दन टेढ़ी हो गई, अगर कहीं हाथ पैर तोड़ दिए तो शादी कौन करे? कौन हो तुम? क्या लेने आई हो? लेने नहीं, कुछ देने आई हूँ। ये किसका है? ये खत बेला जी को देना। हाँ, लेकिन किसका है, किसने लिखा?
मेरी सहेली बेला की सहेली, उस सहेली ने अपनी सहेली को ये खत दिया है। कुछ नहीं समझा, फिर से समझाओ। मेरी सहेली है ना, वो बेला की सहेली, उस सहेली ने अपनी सहेली को ये खत दिया है। इससे सहेली ने ज्यादा और खत है। अच्छा मैं देख रहा हूँ। और सुनो, जल्दी आना। अच्छा ये खत कौन दिया? मेरी सहेली वो तुम्हारी सहेली, और तुम्हारी सहेली वो तुम्हारी मेरी सहेली, सहेली वो सहेली। माफ करना, सहेलियां बहुत है और खत एक। आप खत पढ़ते रहो, वहां मेरा इंतजार हो रहा है। प्यारी बहन राधा, अपने बंगले के पीछे शंकर के मंदिर के पास मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आना, प्यारी बहन बेला। हेलो, अरे बेला को देखा? वो भाग गई। कौन भाग गई? जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेला के बारे में पूछ रहा हूँ। बेला का? अरे आप, वो तो अभी अभी गई। बेला की? बेला की? बेला की? कौन तुम? गरीब बालिका को छेड़ने से बालक मां बाप होकर शांत शांत ताकत का इस्तेमाल हर जगह नहीं करते। शिवशंभो 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 हरिओम हरिओम। महाराज। बालिका, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेना ही पड़ता है। महाराज आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्त पुत्र सौभाग्यवती भव। मेरी अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? बालिका तो शादी ये चीना है जो जो किशन को मार के बेहोश कर दिया था और मेरे को उठा के ले गए थे। अच्छा? हाँ। आपकी आपकी क्या? आपकी बड़ी मेहरबानी। सुनो जी, घर पे माता जी अकेली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप जाइए, हम बाद में आएंगे। बेला, किशन, डॉक्टर, अरे ये लोग कौन हैं? देखो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सुनो, तुम ही घर, मैं भी आता हूँ। झोपड़ी में रहने वाले को महल में रहने का मौका मिले तो वो बाप को तो क्या परमात्मा को भी भूल सकता, दौलशा इंसान को कहां तक गिरा सकता। माफी चाहता हूं, मैंने भूल में तुम्हें अपनी बेटी समझ लिया। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो।
लोग हैं? समझ में नहीं आता। अरे भाई यार वो लोग हैं, अगर मैं होता तो आप लोग यहाँ काम में लगे होते, मैं पीछे हाथ लगे। ये वो लोग हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारना पड़ेगा? हाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, धक्का मारो। तुम गाड़ी चलाओगे? अरे 10 साल से लॉरी चला रहा हूँ, खाट नहीं झोंक रहा हूँ। आपने धक्का मारिए, देखिए मेरी कमाल। अरे हटिए। अच्छा देखिए देखिए आप भी चलिए कमाल। ओह मरना है क्या? माफ करना बाबा, अंधा हूँ बाबा। ओह अंधे हो? फिर से बताना भैया। तुमने उन लोगों को तो बेवकूफ बनाया, लेकिन जानते हो ये मामूसा है, मामूसा मैं बन गया क्या? अब बेवकूफ ठीक है, समझदार हो, ले जाओ ले जाओ। शंकर दादा मेरे को आपने पहचाना नहीं, मैं हूँ राधा। राधा? राधा? हाँ? अरे ये तो सब प्रेम के कहाँ गई थी? मैं किशन के पास गई थी, वहाँ कोई भी नहीं है, मेरे को बापू के पास जाने का है। बापू के पास जाने का? हाँ। चल 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 बैठ चल। मदन क्या बात है, आजकल तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं? नहीं जाननी, आजकल मैं जरा परेशान हूँ। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? यही कि उस दिन से तुम्हारी परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिस दिन से बेला घर में आई है। शाम ने तुमने चांदनी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, तीन तीन तो पहरेदार है, क्या होगा पता नहीं। ओ सब खामोश है, बातें कैसे करें, किसी का नाम भी तो याद नहीं। भाई साहब कोई बात नहीं, माफ करना। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं, मैं बताइए। आप लड़की क्यों छेड़ रहे हैं? है नहीं, चलिए चलिए नोकदार बनाइए। किशन इनके खामोश से ये मालूम होता है कि तेरे दिन पूरे हो गए, यहां से तू कभी नहीं बच सकता। रामू भैया अरे देख तो मैं किसको लाया हूं, अगर मैं इसे रास्ते में नहीं मिलता तो तुम्हारी बेटी का पता नहीं क्या हाल होता। मेरी बेटी? हाँ बापू मैं हूँ तुम्हारी बेटी राधा। राधा शायद शायद तुमने मुझे इस कपड़े में पहचाना नहीं बापू। कपड़े बदलने से इंसान तो नहीं बदल जाता। तो क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं बापू, मेरी इस दुनिया में कोई बेटी नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है बापू? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उस वक्त तुम्हें क्या हो गया था जो बाप को पहचानने से इनकार कर दिया।
किसके बालबूते पर तू अपने बाप को धक्के मारने पर तैयार हो गई थी? किसके प्यादरी आंख पर्दा डाल दिया जो अपने बाप को थप्पड़ तक दे वाला? बापू मालूम है मेरा गुना कोई माफ नहीं कर सकता, मगर सच जानू बापू, अगर मैं उस वक्त ऐसा नहीं करती तो वो बदमाश वो अंधी माँ को जान से मार डालते। उस अंधी के लिए तू भी अंधी बन गई। ये न सोचा कि जब तू 2 साल की थी तो तेरी माँ ईश्वर के पास चली गई। उस दिन से 16 बरस तक इस गरीब बाप ने माँ बनकर तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। दिन रात गरीब बाप इसलिए कमाता रहा कि मेरी बेटी सुखी रहे। दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि कहीं सौतेली माँ आकर बेटी को दुखी न बना। बेटी बेटी ने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसको वहां से निकाल दिया। चले जा, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। बापू मैं कहां जाऊं? बापू तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? वो दौलतमंद माँ जो है जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया था कि अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारो। चली जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। शंकर इसको वहीं छोड़ो जहाँ से लेकर आए थे। बापू मेरे को तुम्हारे चरणों की सौगंध। बापू मैंने जो कुछ भी किया अपने सुख के लिए नहीं किया। बापू लो लो, इसी आपने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, लो काट दो बापू। राधा बापू मेरी बच्ची बैठ गया भाइयों, पहले कुछ बोलते नहीं, अब बोलते तो बहुत कुछ बोलते थे। बोलती कैसे बंद हो गई? कैसे करे? Thank you.
हर किसी बात का एक फसाना बना ओ दीवानी को दीवाना बना खजाना मिल गया। अरे मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। चलो चलो पास क्या है? साँप, साँप। यहाँ नहीं जहाँ हम दीवार खोद रहे थे। मुखर्जी जिसके भाग में दौलत लिखी होती है उसी को मिलती है। तुम्हारे भाग में सांप लिखे हैं। बेला की माँ किशन और डॉक्टर भी आया है। डॉक्टर साहब ये लाबेला नहीं है, ये भूत बंगला है। भूत बंगला? हाँ मैंने शहर कोना कोना थान मारा है। तो तुम चलो। नहीं 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 आप चलिए देखे नजारा क्या होता है। अच्छा मेरे पीछे 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 आओ ना। अरे पीछे पीछे मैं थोड़े पीछे आने वाला हूँ। डॉक्टर लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक बार मैं आया था सब देख चुका हूँ। अभी आप भी देखिए मैं सर यहाँ बैठ जाओ। बैठो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। पागल हो गया। अभी अभी आ गए। तो मोमबत्ती जला के बैठ। डरना नहीं मैं आता हूँ। ये तो खजाने का पता कैसे नहीं बताती हो? बहुत सी लारियां आ गई। लारियां? कहीं राधा का बाप तो नहीं आ गया? बापू यही है वो मकान। ओ बंसी मेरे यहाँ गिला। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई भी अंदर आने की कोशिश करे चाहे राधा का बाप ही क्यों ना हो उसे शूट कर दो। जाओ भाग हो किशन और डॉक्टर को पहले। अच्छा भाइयों सब तैयार। राधा ट्रक के पास चलो। आओ भाइयों। रामू दादा इस तरह आगे बढ़ने से जान का खतरा है। मगर इंस्पेक्टर साहब इस वक्त बेला और उसकी माँ भी तो खतरे में है। हम लोग उन्हीं को बचाने तो यहाँ आए हैं। बस पुलिस आ रही। पुलिस मुखर्जी तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बेला बेला आज तक मुझे दौलत की लालच थी, तुमने मेरी लालच और बढ़ा दी। अब तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।
अरे डॉक्टर साहब कहाँ गया? डॉक्टर साहब? अरे भाई मैं डॉक्टर का पता पूछ रहा, तू अपना पता बता रहा है? बकवास बंद करो। बस पुलिस ने सारा बदला कर दिया। पुलिस ने? छोड़ो तू इसका खैनक, तुम मेरे पास चलो। मुझे कहाँ ले गया? वो कहते अब यहाँ ठहरना बेकार है, चलो अंदर। बापू, अगर तुम लोग सीधे सीधे यहां से नहीं चले गए मैं इस बुढ़िया को यहां से फेंक दूंगा। मदन, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, गोली चलाइए और खत्म कीजिए साले को। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, अगर तुम लोग 10 मिनट में यहां से नहीं चले गए तो बेला, उसकी मां, किशन और डॉक्टर जिंदा नहीं मुर्दा पाए जाएंगे। किशन? बाबू, बाबू, बाबू डॉक्टर साहब, बाबू। वेरी गुड। मगर ऐसा हिसाब किताब नहीं देखा। अच्छा बात। Well done, Sujit. Well done. Thank you. Keep it up.